सीबीआई ने रशिया यूक्रेन युद्ध में वॉर जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रूस यूक्रेन युद्ध में वॉर जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मार्च के महीने में कुछ कंसल्टेंसी और उनके मालिकों समेत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया था और 7 राज्यों में 10 ठिकानों पर रेड्स की थी। रूस के कुछ इलाकों से कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें कंसल्टेंसी के कुछ लोग भारतीयों को रूस नौकरी के नाम पर बुला रहे थे। बॉर्डर पर ऐसी वीडियो सामने आई थी जो जबरन इस युद्ध में फंस गए थे। रूसी सेना में लड़ाकू भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मार्च में सीबीआई ने विदेश में आकर्षक नौकरियों की पेशकश के वादे पर भोले भाले युवाओं को निशाना बनाकर देश भर में चल रहे एक प्रमुख मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। ये तस्कर यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और अपने स्थानीय संपर्कों एजेंटों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को रूस में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए लुभा रहे थे। इसके बाद तस्करी करके लाए गए भारतीय नागरिकों को लड़ाकू भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन बिना फैसला सुनाए बेंच उठ गई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, हालांकि फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लंच से पहले तक जमानत की शर्तें तय कर ली थी, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। कोर्ट अब इस मामले में 9 मई को फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें, अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। जिस पर केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। उधर बीजेपी और आप नेताओं की तरफ से सियासी बयानबाजी भी चरम पर रखी। बीजेपी ने केजरीवाल पर आतंकी फंडिंग के मुद्दे को लेकर भी हमला किया, जिस पर आपकी तरफ से पलटवार किया गया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, यही वजह है कि आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया गया है। आपकी पूरी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को 6वें चरण में दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले जमानत मिल जाए, जिससे केजरीवाल को दिल्ली में प्रचार प्रसार का मौका मिल सके। कोर्ट ने भी आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए चुनाव को की वजह माना था। वहीं दूसरी तरफ ईडी चाहती है कि केजरीवाल को सीएम कोने की वजह से विशेष छूट न मिले। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 9 मई को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानूनों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मूड। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। करंटीन की जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए, काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच, मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता का मन।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पांच उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाले। कौन कौन सी वो पांच बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। वहीं अमेठी से स्मृति की ललकार भी देखने को मिली है। राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी है स्मृति ईरानी ने। तो देखिए मेगा मिशन और दक्षिण में पीएम है, जी हां दक्षिण मिशन पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं 400 पार के नारे को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए भतीजे पर बुआ का एक्शन भी देखने को मिला है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की खबर भी है, आज उनकी पेशी है लेकिन राहत कब मिलेगी इस पर सस्पेंस बरकरार है। जब उनकी पेशी होगी उसके बाद पता चलेगा कि उनको राहत मिलती है या फिर वो एक बार फिर आफत में ही रहेंगे। और तीन चरणों के बाद अब बारी है चौथे चरण की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे चरण में भी जुट गए हैं। जी हां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहने वाले हैं। कई जगहों पर उनकी चुनावी सभा है तो वहीं विजयवाड़ा में वो मेगा रोड शो करने वाले हैं। जी हां करीमनगर राजमपेट में मेगा रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विजयवाड़ा में, जी हां विजयवाड़ा में आज शाम रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चौथे चरण का रण है और पीएम मेगा प्रचार में एक बार फिर जोर शोर से जुट गए हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री कैसे अपने लक्ष्य को साधने के लिए जितोड़ मेहनत कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तमाम दिग्गज भी जुटे हुए हैं। और देखिए दिन की पांच बड़ी रैलियां कहां कहां है वो हम आपको बता रहे हैं। शाह की ओंकार आपको लखीमपुर खीरी में दिखाई देगी, हरदोई कन्नौज और जालना में भी शाह की ओंकार नजर आएगी। मिशन दक्षिण पर मोदी हैं और आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। जेपी नड्डा भी प्रचार कर रहे हैं और वो मंडी बिलासपुर में यानी हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत की सीट पर भी प्रचार करते नजर आएंगे। योगी की ललकार देखिए कानपुर एटा और शाहजहांपुर में दिखेगी। योगी ताबड़तोड़ रैली भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव, जी हां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शाहजहांपुर फरुखाबाद और हरदोई में लगातार आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और देखिए 4 जून को 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी बीजेपी को बंपर जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। आज चौथे चरण के रण के लिए पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। अपने चुनावी भाषणों में पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों 400 पार वाली जीत का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। आपको इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। लोकतंत्र के महापर्व में तीन चरणों का रण संपन्न हो चुका है और अब सियासी दल चौथे चरण के लिए जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 4 जून को 400 पार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार तूफानी प्रचार में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। करीमनगर और राजमपेट में पीएम की मेगा रैलियां हैं। विजयवाड़ा में आज शाम 7 बजे पीएम का रोड शो होना है। आखिर बीजेपी ने 400 पार वाली बंपर जीत का लक्ष्य क्यों तय किया है? पीएम मोदी लगातार इस पर जनता से संवाद कर रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की
हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें अगर मिल गई तो संविधान बदल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस वालों की बुद्धि पर ताला पड़ गया है। 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था, और मोदी ने 400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी